YouTube चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास में हम बात करेंगे गायनेकोलॉजी और मिडवाइफरी के क्वेश्चंस की। तो अपकमिंग टाइम में अलग अलग जगह है जो नर्सिंग के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट की बात कर लें, MP में, UP में, उड़ीसा में, अलग अलग जगह पेपर हैं जिनका भी जहाँ के लिए भी एग्ज़ाम है। क्लासेस उन सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम देते हों। सेकेंड थिंग कि जो भी लोग स्पेशली MP NHM की, उड़ीसा ANM के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस क्लास को ज़रूर देखना, और जिन्होंने यदि अभी तक DMER की आंसर की नहीं देखी वो भी देख लें, क्योंकि कितना इजी पेपर आया था। मैं टेक्निकल सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ कि टेक्निकल में कितना इजी पूछा गया था आपको। और जिनका UPUMS के लिए, KGMU के लिए एग्ज़ाम है उनके लिए ऑफिशियल पेपर्स के साथ में आपकी क्लासें करवा दी जाएंगी, वो भी आपके मंडे से। अभी जो भी क्लासेस हो रही हैं आप प्लीज़ उनको ज्वाइन कीजिए, जो भी पेपर्स आते हैं वो आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। और जो भी लोग ANM के पेपर्स लेना चाहते हैं या फिर NHM के पेपर्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके उन पेपर्स को परचेस कर सकते हैं। प्राइस बहुत ही चीप रखी गई है कि हर एक कैंडिडेट उसको अफोर्ड कर सके। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और फॉल्स लेबर कॉन्ट्रैक्शन। क्वेश्चन यहाँ पे कहा है कि स्टेटमेंट सही है किसको लेके, फॉल्स लेबर कॉन्ट्रैक्शन को लेके, मतलब कि फॉल्स लेबर पेन को लेके। ऑप्शन में है इंक्रीज इन ड्यूरेशन, फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, कंटिन्यू टू नो मैटर व्हाट द वुमेंस लेवल ऑफ एक्टिविटी, बिगन इरेगुलरली बट बिकम रेगुलर एंड प्रेडिक्टेबल, फेल्ड फर्स्ट एब्डोमिनली एंड रिमेन कन्फाइंड टू द एब्डोमेन। तो यहाँ पे कहा है फॉल्स लेबर पेन का सही पॉइंट क्या है, सही स्टेटमेंट क्या हो। फर्स्ट ऑप्शन है वो देखिए पहले आप। फर्स्ट ऑप्शन में कहा है कि इंक्रीज इन ड्यूरेशन, फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, तो ये ट्रू लेबर पेन में होगा, जो सही में जब एक सही टाइम आता है डिलीवरी का उस टाइम पर जो पेन होगा वो कैसा होगा, समय के साथ साथ बढ़ते जाएंगे, इंटेंसिटी तेज होगी, बार बार आएंगी, फ्रिक्वेंसी होगी लेबर पेन में। दूसरा है कंटिन्यू नो मैटर व्हाट द वुमेंस लेवल ऑफ एक्टिविटी, ये भी ट्रू लेबर पेन में होगा, आप कुछ भी कर लें, लेट लें, बैठ लें, कुछ भी खा लें, लेकिन पेन सबसाइड नहीं होगा। बिगन इरेगुलरली बट बिकम रेगुलर एंड प्रेडिक्टेबल, तो ये भी आपका ट्रू लेबर पेन में होगा, हो सकता है इरेगुलर तरीके से जो शुरू में लेबर पेन आते हैं ट्रू लेबर पेन इरेगुलर ही आते हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, रेगुलर होंगे और प्रेडिक्टेबल होंगे, आपको खुद फील होगा कितने सेकेंड में आएंगे। लास्ट फेल्ट फर्स्ट एब्डोमिनली एंड रिमेन कन्फाइंड टू द एब्डोमेन, जो ट्रू लेबर पेन होते हैं हमेशा वो बैक साइड से आते हैं आपको, बैक साइड से आगे की तरफ, लेकिन जो फॉल्स लेबर पेन होते हैं आपको ओनली एब्डोमिनल आगे की तरफ से ही, एब्डोमेन से ही फील होंगे और वहीं तक रहेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी यही है कि फॉल्स लेबर पेन के जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कैसे होंगे, कैसे होंगे, फेल्ट फर्स्ट एब्डोमिनली एंड रिमेन कन्फाइंड टू द एब्डोमेन। नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी द यूजुअल अमाउंट ऑफ एनीमा सॉल्यूशन फॉर इन्फेंट, यदि आप इन्फेंट को एनीमा देते हैं तो अमाउंट है जो कितना होना चाहिए, 500 ml, 300 to 500 ml, 250 to 350 ml या फिर less than 250 ml। यदि आप किसी बच्चे के, सॉरी इन्फेंट के लिए एनीमा देते हैं, इन्फेंसी में मतलब लेस देन वन ईयर एज है यदि, तो यहाँ पर एनीमा आप कितना सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, तो सॉल्यूशन यूज़ किया जाएगा वो होगा लेस देन 250 ml, कितना 250 ml से भी कम। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फॉस्फोरस, तो आपकी बॉडी में फॉस्फोरस का क्या काम है। ऑप्शन में है यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, रेगुलेशन ऑफ pH ऑफ बॉडी फ्लूड्स, रेगुलेशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस। तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर, फॉस्फोरस, कैल्शियम, इसकी ज़रूरत किसके लिए होती है, हड्डियों के लिए, मतलब कि बोन्स के लिए। तो यहाँ पर जो फॉस्फोरस की ज़रूरत होगी किसके लिए होगी, वो होगी डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, किसके लिए, बोन्स और टीथ के डेवलपमेंट के लिए, कि आपके हड्डी और जो दांत हैं किससे बनते हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस से, तो इसीलिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कैल्शियम और फॉस्फोरस की। What is the name given to the endometrium during the pregnancy? प्रेगनेंसी के टाइम पर एंडोमेट्रियम के लिए क्या नाम दिया जाता है,
एमनियोटिक कैविटी, इनर सेल मास, ट्रोफोब्लास्ट या फिर डेसिडुआ। तो एंडोमेट्रियम के लिए, किसके लिए? एंडोमेट्रियम के लिए प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या नाम दिया जाता है? डेसिडुआ। क्या? डेसिडुआ। जो हमारा सेकंड शॉर्ट चैनल है मेडिकल एंड नर्सेस आपका शॉर्ट चैनल, आप वहाँ जाकर प्लीज़ विजिट कीजिए, जहाँ पर आपकी गायनेकोलॉजी की बेसिक से क्लासेस हैं जो स्टार्ट हो चुकी हैं। बेसिक से मतलब है कि आपका जो बच्चे की पोजीशन से लेके प्रेजेंटेशन से लेके सभी क्लासेस स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट की गई हैं। प्लीज़ आप लोग जाके वहाँ पर ज्वाइन कीजिए। डेली आपको 10 से 15 मिनट का एक शॉर्ट लेक्चर रहता है, जो आप ज्वाइन करेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो प्रेगनेंसी में एंडोमेट्रियम को क्या नाम दिया जाता है? डेसिडुआ। और यही एंडोमेट्रियम, इसी एंडोमेट्रियम में क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर सेडिंग देखने को मिलती है, लेकिन प्रेगनेंसी में क्या नाम दे देते हैं? डेसिडुआ। क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से हम ये कहेंगे कि क्लोज किया जाएगा सर्विक्स का जो मुंह है, क्लोज किया जाएगा, यूट्रस में बेबी डेवलप होगा। तो यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम का दूसरा टर्म यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा? डेसिडुआ। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्यूबल विटामिन। तो यहाँ पर फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन सा है? पायरिडॉक्सिन और विटामिन B6, एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी, विटामिन ई और टोकोफेरॉल या फिर थायामिन और B1। तो यहाँ पर केमिकल नाम के साथ साथ नॉर्मल नेम भी दिए गए हैं। फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं विटामिन A, D, E, K, और यहाँ पर जो फैट सॉल्यूबल विटामिन वो टोकोफेरॉल और विटामिन ई, जिसको एंटी स्टरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। कौन सा? एंटी स्टरिलिटी विटामिन। नेक्स्ट इज प्लेसेंटा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्लेसेंटा का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ? प्लेसेंटा का ओरिजिनेशन हुआ कोरियन फ्रंडोसम से। अब यहाँ पर कोरियन फ्रंडोसम इज द पार्ट दैट द कंसेप्सियस दैट फॉर्म्स एज द विलाई ग्रो लार्जर ऑन द साइट ऑफ द कोरियोनिक सेल नेक्स्ट टू द यूट्राइन वॉल। तो यूट्राइन वॉल के यहाँ पर देखिए जो प्लेसेंटा है कहाँ से अटैच होता है? यूट्राइन वॉल से है जो अटैच होगा। अब यहाँ पर जो विलाई होती है छोटी छोटी, वहाँ से अटैच होगा। तो ये यहाँ पर दो तरीके के पार्ट बताए गए हैं। फीटल के लिए क्या है? कोरियन फ्रंडोसम। तो यहाँ पर कोरियन फ्रंडोसम से क्या हो गया? प्लेसेंटा का ओरिजिनेशन हुआ, जो कि डिस्कस शेप्ड प्लेसेंटा को फॉर्म करने में हेल्प करेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्लेसेंटा का जो शेप है वो कैसा होता है? होता है डिस्कॉइड शेप में। नेक्स्ट वन, यहाँ पर KMC शुड बी प्रोवाइडेड बाय मदर फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी आवर इन वन सिटिंग। तो यदि माँ एक बार बैठती है तो कंगारू मदर के हर वन सिटिंग में कितने टाइम तक देना है? 2 आवर, 1 आवर, 3 आवर या फिर 1.5 आवर। एग्जाम में 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। KMC कब दी जाती है? KMC दी जाती है जब बच्चे का वेट कैसा हो, लो बर्थ वेट बेबी बॉर्न हुआ हो, 2.5 kg से कम बच्चे का वेट हुआ हो, तब हम KMC देते हैं। KMC क्यों दी जाती है? हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए, मदर फीटस में अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए। और यहाँ पर KMC फैमिली में कौन दे सकता हो? फैमिली का कोई भी हेल्दी स्वस्थ मेंबर जिसको कोई भी कंटेजनियस इन्फेक्शियस डिसीज ना हो वो दे सकते हैं। वन सिटिंग में कितना देना है? 1 आवर तक। कितना? एक बार बैठते हैं आप तो कितने टाइम तक KMC दे सकते हैं? 1 आवर तक। KMC कब तक देनी है? तो जब तक बच्चा नॉर्मल बर्थ वेट गेन ना कर ले। नॉर्मल तो होता है 2.5 kg, लेकिन इससे ज़्यादा तो हम 3 kg कंसीडर किया जाता है बुक्स के अकॉर्डिंग, बट 2.5 kg नॉर्मल यदि एग्ज़ाम में आपको आता है तो 3 kg आप मार्क कर सकते हैं। KMC कब स्टॉप करना है? जब बच्चे का वेट 3 kg हो जाए। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज माउथ एंड टंग आर यूज टू डील विद द स्ट्रेस। तो यहाँ पर कौन सी स्टेज है जिसमें माउथ और टंग का यूज़ करते हैं हम स्ट्रेस से डील करने के लिए? एनल स्टेज, ओरल स्टेज, फैलिक स्टेज या फिर लेटेंसी स्टेज। तो ये थ्योरी के अकॉर्डिंग है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम टंग और माउथ का यूज़ किस स्टेज में करते हैं? ओरल स्टेज में। किसमें? ओरल स्टेज में। नेक्स्ट वन इज इन्फेक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड। तो फैलोपियन ट्यूब के इन्फेक्शन को क्या कहा जाता है? साल्पिंजाइटिस, जिंजिवाइटिस, बोर्थोलेनाइटिस या फिर एंडोमेट्राइटिस। तो एंडोमेट्रियम में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होना क्या कहला गया? एंडोमेट्राइटिस। बर्थोलिन ग्लैंड्स, जो बर्थोलिन ग्लैंड्स होती हैं जो ओवरी के दोनों साइड रहेंगी, तो यहाँ पर एक इमेज के थ्रू आपको समझा देते हैं। होती हैं वेजाइना के दोनों साइड होती हैं। यदि यहाँ पर इनमें किसी भी, जो यहाँ पर इमेज दिख रही है, तो वेजाइना के दोनों साइड क्या होती हैं? बर्थोलिन ग्लैंड्स होती हैं। लेकिन यदि यहाँ पर
किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है इनको, या फिर बर्थोलिन सिस्ट होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बर्थोलिनाइटिस। सेल्फेंजाइटिस का मतलब होगा फेलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन का होना। फेलोपियन ट्यूब के लिए ये यूट्राइन ट्यूब भी कहा जाता है, तो आपको ये नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट वन इज, और जो बर्थोलिन ग्लैंड क्या करती हैं, वेजाइना के यहाँ पर लुब्रिकेशन बनाने के लिए जो म्यूकस का और लुब्रिकेट मटेरियल का सीक्रेशन करती रहती है। नेक्स्ट वन इज ग्रेविडा नोट्स टू, तो ग्रेविडा का मतलब क्या है, प्रेग्नेंट स्टेट, प्रीवियस प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट एट द स्टेज ऑफ 30 एंड अबव, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो प्रेगनेंसी एट द स्टेज ऑफ 30 और उसके बाद होता है 30 साल से ज़्यादा के आसपास, तो उसको एल्डरली प्रीमी ग्रेविडा ग्रेविडा कहेंगे। प्रीवियस प्रेगनेंसी और ग्रेविडा का मतलब यहाँ पर है, ग्रेविडा का मतलब है यहाँ पर प्रेग्नेंट स्टेट, एट प्रेजेंट स्टेज है जो आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, तो वो यहाँ पर ग्रेविड टर्म है जो डिनोट करेगा। नेक्स्ट वन इज, विच वन इज द मेन कॉज ऑफ PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज का मेन कॉज क्या है, एब्रप्टो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या फिर PPH। तो मेन कॉज है PID का, वो है यहाँ पर PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज। क्या होगा, पोस्टपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट वन इज, सेपरेशन बिगन्स एट द सेंटर ऑफ द प्लेसेंटा एंड स्लाइड डाउन द बर्थ कैनाल लाइक अ फोल्डेड अम्ब्रेला, दिस मेथड ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशन इज रिफाइंड। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सेंटर पार्ट से यदि प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा है, अम्ब्रेला जैसे आपको देखने को मिलेगा, फोल्डेड अम्ब्रेला, जैसे हम अम्ब्रेला को जब बंद करते हैं वैसा, तो प्लेसेंटा की कौन सी सेपरेशन मेथड है, बेंडिक्ट एंड्रयूज, स्लर्ज, डनकेन, या फिर रिंगस्टेन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको आता है, तो कौन सी मेथड है यहाँ पर जहाँ पर प्लेसेंटा सेंटर पार्ट से सेपरेट हो रहा है, तो वो है यहाँ पर स्लर्ज मैकेनिज्म। दोनों आप मेथड देखिए, एक में सेंटर पार्ट से होगा और दूसरे में है जो क्वेश्चन यहाँ पर सेंटर पूछे, कहाँ से प्लेसेंटा का सेपरेशन सेंटर पार्ट से स्टार्ट होता है, नीचे की तरफ जाएगा बर्थ कैनाल में, अम्ब्रेला शेप आपको फोल्डेड अम्ब्रेला शेप देखने को मिलेगा, तो आपको कहने स्लर्ज मैकेनिज्म। यदि पेरिफेरल वे से, पेरिफेरल वे का मतलब है यहाँ पर साइड से धीरे धीरे होगा, तब जाएगा बर्थ कैनाल में, तब हमें कहना है डनकेन मैकेनिज्म। सेंटर पार्ट से कहते हैं तो क्या कहना है हमें, स्लर्ज, और पेरिफेरल वे से कहते हैं तो डनकेन मैकेनिज्म, और दोनों प्लेसेंटल सेपरेशन की मेथड से। नेक्स्ट वन इज द अपगार स्कोर शुड बी असिस्ड, तो अपगार स्कोर को हमें कब असिस्ट करना है, एट 5 मिनट आफ्टर बर्थ एंड 30 मिनट आफ्टर बर्थ, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ एट द एंड, एट 5 मिनट आफ्टर बर्थ, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ एंड एट 30 मिनट्स आफ्टर द बर्थ, और एट 1 मिनट आफ्टर बर्थ एंड 5 मिनट आफ्टर द बर्थ। तो अपगार स्कोर में हम जो चीज़ें असिस्ट करते हैं, तो यहाँ पर दो बार किया जाता है, कब कब किया जाता है, एक तो डिलीवरी होने के तुरंत बाद, दैट मींस बेबी डिलीवर हुआ उसके 1 मिनट में, दूसरा होता है 5 मिनट आफ्टर द बर्थ। दूसरी बार है जो कब करना है, 5 मिनट के बाद, तो हमें अपगार स्कोर को असेस करना है। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम, तो सबसे छोटा ह्यूमन क्रोमोसोम कौन सा है, क्रोमोसोम 10, 16, 20 या फिर 21। द स्मॉलेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम है क्रोमोसोम नंबर 21। नेक्स्ट वन इज द वेरियस मेथड ऑफ इंट्रापार्टम फीटल मॉनिटरिंग इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, तो इंट्रापार्टम फीटल मॉनिटरिंग का मतलब है बच्चा जब पेट में रहेगा, फीटल या जो वूम में रहेगा, यूट्रस में रहेगा, तो फीटल मॉनिटरिंग हम सबसे कर सकते हैं किसी एक को छोड़कर, फीटल स्कैल्प स्टिमुलेशन टेस्ट, फीटल पल्स ऑक्सीमेट्री, फीटल ब्लड सैम्पलिंग, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ फीटल की मॉनिटरिंग की बात हो रही है, किसकी, फीटल की, बेबी की मॉनिटरिंग की बात हो रही है, तो वो हम सबसे कर सकते हैं, लेकिन ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन माँ को फील होंगे, किसको होंगे, मदर को फील होंगे, यूट्रस में जो एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। फीटल मॉनिटरिंग में फीटल स्कैल्प स्टिमुलेशन टेस्ट आ जाएगा, फीटल पल्स ऑक्सीमेट्री और फीटल ब्लड सैम्पलिंग। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेवर इंजेक्शन अर्गोमेट्रिन इज कॉन्ट्राइंडिकेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो अर्गोमेट्रिन दिया जाता है कब, एक्टिव मैंने लेबर में यदि जब हम PPH को मैनेज करना है तो अर्गोमेट्रिन दिया जाता है, तो यहाँ पर किस केस में कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा, प्रीमी ग्रेविडा में, सीवियर एक्लेम्सिया में, प्रोलॉन्ग लेबर में, या फिर नन ऑफ द अबव में। तो अर्गोमेट्रिन अवॉइड किया जाता है जिन पेशेंट को ब्लड प्रेशर बढ़ने की प्रॉब्लम हो, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो, ये बेसिक सा एक इसका क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है।
तो यहाँ पर किस केस में है जो बीपी बढ़ता है, तो वो है यहाँ पर सीवियर एक्लेम्सिया। यदि मदर सीवियर एक्लेम्टिक है पहले से ही, तो उसको हमें अर्गोमेट्रिन है जो अवॉइड करना है, नहीं देना है। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द मेमरी ग्लैंड्स इमीडिएटली फॉलोइंग डिलीवरी ऑफ द न्यूबॉर्न दैट इज कॉल्ड। तो मेमरी ग्लैंड से डिलीवरी के तुरंत बाद जो फर्स्ट मिल्क बनता है उसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर मिल्क, कोलोस्ट्रम, प्रोटीन या फिर सप्लीमेंट्री फीड। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कोलोस्ट्रम। क्या कहलाता है, कोलोस्ट्रम। नेक्स्ट वन इज द हॉर्मोन प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क इजेक्शन। जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर आपको एग्जाम में SMS रखे ही मिलेंगे, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देंगे। तो यहाँ पर कौन सा हॉर्मोन है जो मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है यहाँ पर ऑक्सीटोसिन। कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन के लिए। प्रोजेस्ट्रॉन है नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए, यदि हेल्दी नॉर्मल प्रेगनेंसी चाहिए है तो प्रोजेस्ट्रॉन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज द अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोवाइडेड इन द न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोग्राम फॉर अ लैक्टेटिंग मदर इज। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोग्राम के तहत जो माँ के लिए प्रोटीन दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, 10 से 15 ग्राम, 12 से 15 ग्राम, 18 से 20 ग्राम या फिर 20 से 25 ग्राम। तो सप्लीमेंट प्रोग्राम में, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोग्राम की बात हो रही है, तो लैक्टेटिंग मदर और ब्रेस्ट फीडिंग मदर है जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं, दूध पिलाती हैं, तो उनको कितना प्रोटीन दिया जाता है, 18 से 20 ग्राम, 18 to 20 ग्राम। नेक्स्ट वन इज द पोस्टनेटल पीरियड एक्सटेंड अप टू। तो जो पोस्टनेटल पीरियड है वो कब तक का होता है, 2 week, 6 week, 4 week होता है, वो होता है 6 week तक के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, परपीरियम पीरियड, जिसमें जो बॉडी है नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में क्या होती है, रिवर्ट होती है, यूट्रस है और अदर बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो भी क्या होती है, बैक होती है नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में। नेक्स्ट वन इज अ वुमेन इज डायग्नोज टू हैव सीवियर एनीमिया व्हेन द हीमोग्लोबिन इज बिलो। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी में जब क्वेश्चन 2-3 बनते हैं, यहाँ पर प्रेगनेंसी में एनीमिया कब कंसिडर किया जाता है, जब हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 11 ग्राम पर डीएल हो जाए। लेकिन जब सीवियर एनीमिया की बात आती है तो WHO के अकॉर्डिंग जब हीमोग्लोबिन लेवल 7 ग्राम पर डीएल से कम हो जाए तब प्रेगनेंसी में कंसिडर किया जाता है सीवियर एनीमिया। लेस देन 11 तो एनीमिया है प्रेगनेंसी में, लेकिन लेस देन 7 ग्राम पर डीएल तो सीवियर एनीमिया है। नेक्स्ट वन इज द नर्स इज अवेयर दैट एन अडॉप्शन ऑफ प्रेगनेंसी इज इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू पेल्विक रीजन दैट रिजल्ट परप्लेस डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइनल म्यूकोसा दैट इज नोन एज। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है यहाँ पर कि पेल्विक एरिया में क्या होगा, ब्लड का है जो सप्लाई बढ़ जाएगा प्रेगनेंसी में, वो प्रेगनेंसी में नॉर्मल अडॉप्टेशन है। तो यहाँ पर इसके कारण जब ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो पेल्विक रीजन में बढ़ने के कारण जो वेजाइनल म्यूकोसा है कैसी होगी, पर्पलिस कलर की। तो ये कौन सा साइन है, लेडेंस, हैगर्स, गॉडेल्स और चैडविक साइन। तो ये कौन से साइन की बात हो रही है यहाँ पर, चैडविक साइन की। नेक्स्ट वन इज वेजाइनल स्पॉटिंग और ब्लीडिंग बिटवीन मेंसेस इज कॉल्ड। तो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है या फिर स्पॉटिंग होती है, मतलब एक या दो ड्रॉप ब्लड आता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो भी मेंसेस के बीच में, पीरियड्स के बीच में, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, फिर डिसमेनोरिया, पूरे टर्म्स एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर कौन सा टर्म यूज़ किया जाएगा, तो वो होगा मेट्रोरेजिया। यदि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम कहेंगे मेनोरेजिया, लेकिन यहाँ पर पीरियड्स के बीच में यदि स्पॉटिंग होती है तो हम उसको क्या कहेंगे, मेट्रोरेजिया। डिसमेनोरिया का मतलब होगा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का मतलब है कि पीरियड्स आने के पहले, 1 week पहले से ही आपको क्रैम्प्स आएंगे, स्टमक पेन होगा, आपको वीकनेस फील होगी, तो ये सभी क्या है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है। नेक्स्ट वन इज एज पर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड फर्स्ट एंटीनेटल विजिट शुड बी डन एट। IPHS के अकॉर्डिंग, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है जो पहला एंटीनेटल विजिट कब करवाना चाहिए, 2 week ऑफ जेस्टेशन में, विदिन 12 week ऑफ जेस्टेशन, विदिन 14 week ऑफ जेस्टेशन और विदिन 12 week ऑफ जेस्टेशन। तो यहाँ पर यदि बात होती है किसकी, फर्स्ट एंटीनेटल विजिट की, तो IPHS के अकॉर्डिंग, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, विदिन 12 week ऑफ जेस्टेशन में आपको पहला एंटीनेटल चेकअप करवाना है। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। तो भारत में सबसे ज़्यादा स्टरलाइजेशन, मतलब कि
फैमिली प्लानिंग के लिए कौन सी मेथड अपनाई जाती है? मेल फीमेल बोथ इक्वली कॉमन है फॉर ऑल ऑफ दी अबव? तो इंडिया में यदि मेल अपना स्टरलाइजेशन करवा ले तो ये तो फिर बहुत ही बड़ी बात हो गई, तो ऐसा इंडिया में तो नहीं होता है, दूसरे देश का पता नहीं। तो फीमेल स्टरलाइजेशन इंडिया में सबसे कॉमन है, क्या है? सबसे कॉमन है फीमेल स्टरलाइजेशन, इसको हम क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। मेल स्टरलाइजेशन को क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी। नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी HFSS हैज़ बीन सक्सेसफुली कम्प्लीटेड इन इंडिया टिल नाउ? तो भारत में अभी तक हेल्थ फैमिली है जो सर्वे है, HFSS सर्वे है जो, ये कितने बार है जो हो चुका है? ऑप्शन में है यहाँ पर 2, 3, 4 या फिर 5। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है जो यहाँ पर इंडिया में कितने बार हो चुका है? तो हो चुका है टोटल 4 times। कितने बार हो चुका है? 4 times। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दीज इज अ परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? तो परमानेंट मेथड कौन सी है कॉन्ट्रासेप्शन की? तो यहाँ पर परमानेंट मेथड है ट्यूबल लिगेशन और वैसेक्टोमी, ये दोनों क्या है? परमानेंट मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। नेक्स्ट वन इज ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज सेलिब्रेटेड इन? तो हर साल ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है 1 हफ्ते तक। तो क्यों मना जाता है? कि ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में अवेयर कर सकें, लोगों को जागरूक कर सकें कि ब्रेस्ट फीड कराने से माँ को क्या है जो लाभ होंगे, बच्चे को क्या लाभ होंगे। ब्रेस्ट फीडिंग वीक हम कब मनाते हैं? 1st week of July में, 1st week of August, 1st week of September और 1st week of November। ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट किया जाता है 1st week of August में। अगस्त का जो पहला हफ्ता होता है उसमें हम क्या उसको क्या कंसिडर किया गया? ब्रेस्ट फीडिंग वीक। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टारगेट ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स? फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स का मेन टारगेट क्या होगा, कौन सा ग्रुप होगा? मेल आफ्टर फर्टाइल एज, कपल इन द फर्टाइल एज, चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर, वुमेन आफ्टर फर्टाइल एज। तो यहाँ पर सिंगल मैन और सिंगल फीमेल यदि रहेंगे तो वो तो फैमिली के लिए नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन यहाँ पर जब ये दोनों रहेंगे तो क्या कहलाएंगे? कपल। क्या कहलाएंगे? कपल इन द फर्टाइल एज को मेन टारगेट ग्रुप है जो रखा जाता है। फर्टाइल का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव एज। नेक्स्ट वन इज व्हेन इंडिया गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम? तो इंडियन गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को कब अडॉप्ट किया था? 1950 में, 1952 में, 1954 या फिर 1956 में? तो इंडियन गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को अडॉप्ट किया था 1952 में, 1952 में। नेक्स्ट वन इज फीटल टैकीकार्डिया इज कॉज ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट? फीटल टैकीकार्डिया है जो सभी के कारण होगी किसी एक को छोड़कर। अब यहाँ पर फीटल टैकीकार्डिया की नॉर्मल पल्स रेट होती है वो कितनी होती है? वो होती है 140 to 160 तक, लेकिन जब यही क्या हो जाए 160 to 180 बीट पर मिनट तक हो जाती है तब ये सिचुएशन कहलाती है फीटल टैकीकार्डिया। हार्ट रेट का बढ़ना, पल्स रेट का बढ़ना कितने से? 160 से 180 बीट तक है जो जाना, ये कहलाएगा फीटल टैकीकार्डिया। ये होगा मैटरनल और फीटल एनीमिया के कारण होगा, मैटरनल फीटल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है और यहाँ पर फीटल कंप्रोमाइज के कारण भी हो सकता है। हाइपोक्सिया में है जो, सीवियर हाइपोक्सिया में फीटल टैकीकार्डिया नहीं होगा। यहाँ पर इवन क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा है जो ब्रैडीकार्डिया की सिचुएशन डेवलप होने के चांसेस होंगे कि पल्स रेट बिलो जाएगी 120 के, लेकिन यहाँ पर यह जो सीवियर फीटल हाइपोक्सिया के कारण टैकीकार्डिया नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज फीटल ब्लड सैम्पलिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? तो फीटल ब्लड सैम्पलिंग किस केस में कॉन्ट्राइंडिकेट होगी? HIV पॉजिटिव वुमेन में, थिक मेकोनियम स्टैंड लिक्वर में, अटिपिकल एंड एबनॉर्मल ट्रेसिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग में, या फिर ऑल ऑफ दी अबव में? तो फीटल का ब्लड सैंपल किस केस में हम कॉन्ट्राइंडिकेट रखेंगे? तो वो होगा HIV पॉजिटिव वुमेन, यदि माँ HIV पॉजिटिव है तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं? फीटल ब्लड सैंपलिंग नहीं ले सकते, ऐसे केस में बच्चे को और ज़्यादा रिस्क होगा HIV होने का, तो ऐसे केस में हम फीटल का जो ब्लड सैंपल है कलेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज फैमिली प्लानिंग मेजर ऑफ यूजिंग अ डायफ्राम और डच कैप इज कॉल्ड? तो फैमिली प्लानिंग की एक मेथड है जिसमें डायफ्राम और डच कैप अपनाया जाता है, तो ये कौन सी मेथड है? नेचुरल, बैरियर, IUCD और कैलेंडर मेथड। तो फैमिली प्लानिंग मेजर की जो मेथड है जिसमें डायफ्राम और डच कैप यूज करते हैं, क्या है? बैरियर मेथड। कॉन्डोम, डायफ्राम, डच कैप, ये सब क्या है? बैरियर मेथड और मैकेनिकल मेथड।
नेक्स्ट वन इज एनी ब्लीडिंग फ्रॉम और इन टू द जेनाइटल ट्रैक्ट आफ्टर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी दैट इज कॉल्ड. तो प्रेग्नेंट हो गए हैं जो वायबल पीरियड में है, मतलब कि फीट जो बेबी है यूट्रस में लाइव है, लेकिन डिलीवरी के पहले आपको जो ब्लीडिंग हो जाती है वो क्या कहलाएगी? एंटीपार्टम हेमरेज, इंट्रापार्टम, पोस्टपार्टम या फिर ऑल ऑफ द अबव. वायबिलिटी स्टेज है लेकिन बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी के जो ब्लीडिंग होती है जेनाइटल ट्रैक्ट से वो क्या कहलाएगा? एंटीपार्टम हेमरेज. क्या कहलाता है? एंटीपार्टम हेमरेज. नेक्स्ट वन इज द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट. क्लिनिकल फीचर्स सब हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के किसी एक को छोड़कर. ऑप्शन में एफासमेंट ऑफ सर्विक्स, कॉन्ट्रैक्शन एवरी 3 to 5 minutes, मिनिमल डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग. तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है? जो यूट्रस है वो डायलेट होती है, यूट्रस का डायलेटेशन होता है, एफासमेंट होगा सर्विक्स में, कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे हर 3 to 5 minutes में जो धीरे धीरे इनकी इंटेंसिटी बढ़ते जाएगी, मिनिमल डिसेंट होगा प्रेजेंटिंग पार्ट, बहुत कम दिखेगा. तो यहाँ पर सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, जब प्लेसेंटा का एक्सपल्सन हो रहा हो तब, ना कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज में. तो यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या है? वो स्टेज थर्ड का. नेक्स्ट वन इज क्राउनिंग अकर्स इन. तो क्राउनिंग कब होती है? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर या फिर फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में? तो क्राउनिंग होती है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में. फिर जो यहाँ पर एपिजियोटॉमी भी की जाती है वो भी कब होती है? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में. नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इन अ फीमेल दैट इज कॉल्ड. पहले जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आते हैं वो क्या कहलाते हैं? एमनोरिया, मिनार्ची, मेनोपॉज या फिर डिसमेनोरिया. एमनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेनोपॉज का मतलब होता है सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब कि परमानेंट आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड आना, साइकिल बंद हो जाए. डिसमेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन. अब यहाँ पर बचता है ऑप्शन बी, तो उसका मतलब क्या है? मिनार्ची, जिसमें हम क्या है? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड इन फीमेल. नेक्स्ट वन इज मूवमेंट ऑफ फीटस फेल्ट बाय द मदर दैट इज नोन एज. तो माँ को जब अपने बच्चे के मूवमेंट, हिलने डुलने की हलचल फील होने लगती है तो क्या कहलाता है? लाइटनिंग, ब्लॉटमेंट, क्विकनिंग या फिर ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन. तो ये कहलाता है क्विकनिंग. क्या कहलाता है? क्विकनिंग. जो प्रीमी पैरा मदर होती है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है तो 20 weeks में, और जो मल्टी ग्रेविडा होती है उन्हें 16th week के बाद है जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील होना स्टार्ट हो जाते हैं. लाइटिंग का मतलब होता है वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी. नेक्स्ट इज द गोनोरिया कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म. तो गोनोरिया का कॉजिटिव एजेंट क्या है? क्रैब लुइस, कैंडिडा एल्बिकेंस, ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस या फिर निसेरिया. तो गोनोरिया का कॉजिटिव एजेंट है निसेरिया गोनोरिया. क्या है? निसेरिया गोनोरिया. कैंडिडियासिस होता है उसका कॉजिटिव एजेंट है कैंडिडा एल्बिकेंस. ट्राइकोमोनाइटिस वेजाइनेलिस किसके लिए है? ट्राइकोमोनास के लिए. नेक्स्ट वन इज पैप स्मियर इज यूज फॉर स्क्रीनिंग ऑफ. तो पैप स्मियर किसकी स्क्रीनिंग के लिए यूज किया जाता है? ओव्यूलेशन, सर्वाइकल कैंसर, यूट्राइन कैंसर और मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो जो यहाँ पर पैप स्मियर किसके लिए किया जाता है? सर्वाइकल कैंसर के लिए. एग्जाम में क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट वन इज आफ्टर मेनोपॉज इंक्रीज्ड फेशियल ग्रोथ अकर्स ड्यू टू. तो मेनोपॉज के बाद, मतलब आपके पीरियड्स आना बंद हो गए आफ्टर 50 ईयर के बाद जो स्टॉप हो जाते हैं, तो यहाँ पर फेस पर है जो फेशियल हेयर देखने को मिलेंगे, फेशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी. तो क्यों होगी? इंक्रीज द ल्यूटिनाइजिंग लेवल, डिक्रीज द ल्यूटिनाइजिंग लेवल, निसीरिया फिर फॉल इन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल. किसके कारण होगी फेशियल ग्रोथ मेनोपॉज के बाद? तो ये होगी यहाँ पर FSH लेवल कम होने के कारण. नेक्स्ट वन इज व्हाई इज फॉलेट इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रेग्नेंट वूमेन. तो प्रेगनेंसी में फॉलेट दिए जाते हैं, फॉलिक एसिड दिए जाते हैं, तो ये प्रेगनेंसी में क्यों इम्पोर्टेंट है? टू हेल्प द प्रिवेंट ब्लीडिंग, टू हेल्प प्रिवेंट मॉर्निंग सिकनेस, टू हेल्प प्रिवेंट फटीग या फिर टू हेल्प प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. तो मॉर्निंग सिकनेस को प्रिवेंट करने के लिए तो पायरेडॉक्सिन दिया जाता है. अब यहाँ पर जो फॉलेट है क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए, कि बच्चे को NTD से हम प्रिवेंट कर सकें. नेक्स्ट वन इज कब से देना चाहिए? कंसीव करने के टाइम से ही, क्योंकि इनिशियल यदि आपने दे दिया इनिशियल प्रेगनेंसी में तो अब तो ठीक है, बाद में 4th-5th महीने से दिया तो कुछ हेल्पफुल नहीं होगा. नेक्स्ट वन इज
विच मेडिकेशन कैन बी यूज आफ्टर डिलीवरी टू सप्रेस द लैक्टेशन? तो लैक्टेशन को सप्रेस करने के लिए कोई माँ नहीं चाहती कि मुझे अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है, या फिर कुछ मेडिकल रीज़न हो सकता है, फिजिकल रीज़न हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्या करना है, लैक्टेशन को सप्रेस करना है, तो कौन सी मेडिसिन अपना सकते हैं? मेटक्लोरप्रामाइड, ब्रोमोक्रिप्टिन, प्रोलैक्टिन या फिर ऑल ऑफ दी अबव? तो यहाँ पर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है? ब्रोमोक्रिप्टिन। क्या है? ब्रोमोक्रिप्टिन। नेक्स्ट वन इज प्लेसेंटा डिलीवर्ड इन विच स्टेज ऑफ लेबर? तो प्लेसेंटा की डिलीवरी किस स्टेज में होती है? तीन स्टेज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सॉरी फोर्थ, चार स्टेज होती है लेबर की, मेन थ्री स्टेज होती हैं। तो फर्स्ट होती है सर्वाइकल, सेकंड बेबी एक्सपल्सन, थर्ड प्लेसेंटल एक्सपल्सन और फोर्थ होती है ऑब्जर्वेशनरी स्टेज। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज कॉल्ड? तो ओवा के फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या कहलाती है? ऊजेनेसिस, ईजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर यूगोनिया? तो ओवा फॉर्मेशन की प्रोसेस कहलाती है ऊजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल कौन सी है? तो वो है ओवा, और स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? तो वो है स्पर्म। नेक्स्ट वन इज इन फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी? तो इनमें से ट्विन प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन कौन सा नहीं है? लो बर्थ वेट, पोस्ट मैच्योरिटी अबॉर्शन या फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज? तो यहाँ पर ट्विन प्रेगनेंसी में लो बर्थ वेट बेबी होते ही होते हैं, जब दो दो बेबी रहेंगे, अबॉर्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज भी हो सकती हैं। लेकिन ट्विन प्रेगनेंसी कभी भी पोस्टम, मतलब कि 42 वीक से बाद डिलीवर नहीं होती है, प्रीटर्म होने के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा पोस्ट मैच्योरिटी। नेक्स्ट वन इज व्हेन टीचिंग अ प्रीमी ग्रेजुएट क्लाइंट विथ डायबिटिक अबाउट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच इन्फॉर्मेशन वुड द नर्स इंक्लूड? तो यहाँ पर जब आप प्रीमी ग्रेविडा मदर को डायबिटीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो आप बताते हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया के कारण क्या क्या है, जो चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर कौन सी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होगी? मैटरनल इन्फेक्शन, फीटल माइक्रोसोमिया, डिक्रीज्ड फीटल इंसुलिन या फिर जेस्टेशनल हाइपरटेंशन? एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो क्या चीज़ें हैं जो आपको इंक्लूड करनी है इसमें? तो वो होगा मैटरनल इन्फेक्शन भी। नेक्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ एपिजियोटॉमी इज मोस्ट कॉमनली डन? तो एपिजियोटॉमी की जाती है, इसको पेरिनियोटॉमी भी कहते हैं, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में जब बेबी का हेड है जो फंसने लगता है, तो पेरिनियम और एनल के बीच में जो कट लगाया जाता है उसको एपिजियोटॉमी कहते हैं। किस कौन से शेप की सबसे कॉमन है? तो वह मीडियोलेटरल एपिजियोटॉमी कॉमनली की जाती है। नेक्स्ट वन इज विच सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज मोस्ट कॉमन एसटीडी इन फीमेल? तो फीमेल में होने वाली सबसे कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन सी है? एचआईवी, क्लेमाइडिया, गोनोरिया या फिर जेनाइटल हर्पीस? चारों ही सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, लेकिन फीमेल में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन सी है? तो वे क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया एल्बिगेंस के थ्रू होगी, जो क्या है, क्लेमाइडिया एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट वन इज विच इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ परपीरियल फीवर इन परपीरियम पीरियड? तो परपीरियल पीरियड स्टार्ट होता है आफ्टर बेबी डिलीवर होने के बाद से लेके 6 वीक तक। कब तक? 6 वीक तक, डिलीवरी के बाद से लेके 6 वीक तक का जो पीरियड कहलाता है वो कहलाता है परपीरियम पीरियड। परपीरियम फीवर कौन है जो कॉमन कॉज होगा इसके लिए? एप्सेस फॉर्मेशन, यूटीआई, एंडोमेट्राइटिस या फिर पीआईडी? मोस्ट कॉमन कॉज होगा एंडोमेट्राइटिस। क्या होगा? एंड्रोमेट्राइटिस। नेक्स्ट वन इज टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन फीमेल पेल्विस? तो फीमेल पेल्विस में 4 बोन होती हैं टोटल, कितनी होती हैं? नेक्स्ट है यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोफाइलेक्टिक डोज ऑफ आयरन सप्लीमेंटेशन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में है जो एक प्रोफाइलेक्टिक डोज दिया जाता है आयरन सप्लीमेंट, आयरन का, तो वो कितना दिया जाता है? तो वो दिया जाता है 60 mg वंस डेली। कितना? 60 mg दिन में एक बार। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज द पार्ट ऑफ डाइट्री मैनेजमेंट ऑफ अल्जाइमर डिसीज? तो अल्जाइमर डिसीज में है जो एज एन डाइट्री मैनेजमेंट के लिए कौन सा विटामिन दिया जाता है? ऑप्शन में है ए, डी, के या फिर B12। तो जो विटामिन दिया जाता है वो कौन सा है? वो है विटामिन B12। नेक्स्ट वन इज यहाँ पर विटामिन B12 और फॉलेट है जी, फॉलेट ही क्यों दिए जाते हैं स्पेशली बी कैटेगरी के विटामिन? क्योंकि जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं
वो ब्रेन के डेवलपमेंट में जो हेल्पफुल रहेंगे, इसीलिए यहाँ पर विटामिन B12 दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन का मेन रीजन क्या है? क्राउट के कारण, ब्रुसाइटिस के कारण, ट्राइकोमोनास के कारण या फिर लूपस के कारण? तो यहाँ पर जो मेन रीजन है, मेन कॉज है यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन का, वो क्या है? ट्राइकोमोनास। क्या है? ट्राइकोमोनास। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक MP के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर कौन सा है जो कॉज है सर्वाइकल कैंसर के लिए? हाई फैट डाइट, एल्कोहल कंजप्शन, फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर द एज ऑफ 30 और हैविंग सेक्स एट अर्ली मैरिज। तो यहाँ पर कौन सा है जो मेन कॉज होगा? तो जो मेन कॉज है यहाँ पर वो है हैविंग सेक्स एट अर्ली मैरिज या फिर अर्ली स्टेज, कम एज में शादी हो जाना, और शादी के कम एज में शादी होने के बाद है जो आप सेक्स करते हैं, तो उसके कारण मोस्टली ज़्यादा चांसेस होते हैं सर्वाइकल कैंसर के। मेन कॉज क्या होता है सर्वाइकल कैंसर का यदि ऑप्शन में आपको रहे तो वो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। नेक्स्ट वन इज द एम्ब्रियो बिकम्स अ फीटस इन द बिगिनिंग ऑफ द विच वीक। तो फीटस के पहले जो स्टेज होती है वो कहलाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो एम्ब्रियो है जो फीटस बनने के पहले कितने वीक तक है जो एम्ब्रियो रहेगा? 4th, 7th, 8th या फिर 9th? तो ये रहेगा 9th वीक ऑफ तक, कितना? 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक ये क्या कहलाएगा? एम्ब्रियो। आफ्टर दैट ये क्या कहलाएगा? फीटस। फीटस कब तक? जब तक डिलीवर नहीं हो जाता। नेक्स्ट वन इज द डॉपलर टेक्निक कैन आइडेंटिफाई फीटल हार्ट साउंड बाय। तो डॉपलर टेक्निक में फीटल हार्ट साउंड हम कब है जो चेक कर सकते हैं? 5 to 7 वीक ऑफ जेस्टेशन, 10 to 12, 18 to 20 या फिर 20 to 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। तो डॉपलर टेक्निक से हम फीटल हार्ट साउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं 10 से 12 वीक की प्रेगनेंसी में। ये है जो यहाँ पर दिख रहा है आपको। और नॉर्मली यदि हम बात करें तो हार्ट रेट कब चेक कर सकते हैं? 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। लेकिन डॉपलर टेक्निक से हम कब कर सकते हैं यहाँ पर? 12 वीक की प्रेगनेंसी में, 10 टू 12 वीक के जेस्टेशन में। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सोनोग्राफिंग शोइंग ऑफ स्नो स्टॉर्म अपियरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो स्नो स्टॉर्म अपियरेंस देखने को मिलेंगे जब आप अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे, तो ये किस प्रेगनेंसी में देखने को मिलेंगे? एब्रप्टो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीवियम, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और मोलार प्रेगनेंसी। तो किस प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा स्नो स्टॉर्म अपियरेंस? तो ये देखने को मिलता है मोलार प्रेगनेंसी और हाइड्रेटिफॉर्म मोल जिसको हम कहते हैं, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? स्नो स्टॉर्म अपियरेंस है जो देखने को मिलेगा। एक इमेज आपको दिखाते हैं जिससे आपको ईजिली सोनोग्राफी होती है, इस तरीके से है जो देखने को आपको मिलेगी। नेक्स्ट वन इज द रिकवरी पीरियड फ्रॉम द इन्फेक्शन इज कॉल्ड। सॉरी, द रिकवरी पीरियड है जो इन्फेक्शन का वो क्या कहलाता है? डिक्लाइन, इंक्यूबेशन, कन्वर्जेंस और ससेप्टिबिलिटी। तो जो रिकवरी पीरियड होता है इन्फेक्शन का वो कहलाता है कन्वर्जेंस पीरियड। जब आपको डिसीज हो गई हो उसके बाद आप क्या हो रहे हैं? रिकवर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, तब वो क्या कहलाएगा? कन्वर्जेंस पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होगा जब आपकी बॉडी फर्स्ट साइन सिम्टम शो करेगी। नेक्स्ट वन इज द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज असिस्ड बाय। तो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर रेट का पता करने के लिए या फिर कितनी इफेक्टिव है उसको पता करने के लिए जो इंडेक्स अपनाया जाता है वो कौन सा है? तो वो है यहाँ पर पर्ल इंडेक्स। क्या है? पर्ल इंडेक्स। दैट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर्स पर 1000 वुमेन ईयर्स ऑफ एक्सपोजर। तो किसी किसी ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ की लेकिन उसके बाद भी आप कंसीव कर लेते हैं तो क्या कहलाएगा? फेलियर रेट होगी किसकी? कॉन्ट्रासेप्टिव की। तो उसको हम असेस करते हैं किससे? पर्ल इंडेक्स से। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग प्रोग्राम्स फोकस ऑन सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, विटामिन ए प्रोफाइल एक्सेस एंड प्रोविजन ऑफ फॉलिक एसिड। तो कौन सा यहाँ पर न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है जो किस पर फोकस करेगा? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन पर, विटामिन ए प्रोफाइल एक्सेस और फॉलिक एसिड प्रोवाइड करवाने पर। मिड डे मील, ICDS, बालवाड़ी न्यूट्रिशनल या फिर स्पेशल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। तो जो प्रोग्राम होगा यहाँ पर वो कौन सा होगा? वो होगा ICDS प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 में आई थी। इसको आपको ICDS प्रोग्राम आपको रट के जाना है, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो। और जो हमारा सेकंड चैनल है मेडिकल एंड नर्सेस ऑफ शॉर्ट्स, तो
तो वहाँ पर भी आपको ICDS है जो आज ही आपको कंप्लीट करवा दिया जाए, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ दी फॉलोइंग सप्लीमेंटेशन शुड स्टार्ट बिफोर कंसेप्शन टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, जो यहाँ पर हमने इसके पहले भी इसी टाइप का क्वेश्चन पढ़ लिया कि कौन सा देंगे जिससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जो प्रिवेंट कर सकें। ऑप्शन में है आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर फॉलिक एसिड। कंसीव करने के पहले से ही, यदि कोई कंसीव करना चाहता है तो उसके पहले से ही फॉलिक एसिड ले सकता है, और आपको पता चल गया कि आप प्रेग्नेंट हैं तो एज सून एज पॉसिबल आपको फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर देना, जिससे आप बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हेल्थ एजुकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो हेल्थ एजुकेशन है जो किस लेवल का प्रिवेंशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्रिमोर्डियल या फिर टर्सरी। तो एक हेल्थ एजुकेशन, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन एक इसके हैं प्राइमरी के। सेकेंडरी में डिसीज डायग्नोस हो गई है, अब हम उसके कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है। देखिए यहाँ पर प्राइमरी में क्या है, डिसीज होने के पहले ही जो एक्शन लेते हैं हम, वो क्या है प्राइमरी। सेकेंडरी में अर्ली डिटेक्शन ऑफ असिम्प्टोमेटिक डिसीज थ्रू प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग एंड टेस्ट। सेकेंड में यदि पता चल गया है हमें डायग्नोस करके तो उसको हमें ट्रीट करना है। टर्सरी में जो सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन है हमें उसके कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट वन इज फॉर डिप्थीरिया विच टेस्ट इज परफॉर्म। तो डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है, विडाल, USG, सिक टेस्ट या फिर कॉम टेस्ट। डिप्थीरिया को डायग्नोस करने के लिए टेस्ट होता है सिक टेस्ट। कॉम टेस्ट करवाया जाता है यहाँ पर प्रेगनेंसी में मेनली है जो होता है कॉम टेस्ट। तो इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टाइप का होता है, RH एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसके लिए RH एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट USG किसी भी डिसीज या फिर अदर इंफॉर्मेशन के लिए कर सकते हैं। विडाल टेस्ट होता है टाइफॉइड के लिए। नेक्स्ट वन इज कॉप्लिक स्पॉट्स आर सीन इन विच डिसीज। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आई थिंक BNS एग्जाम में कल ही पूछा गया है, तो उसमें कलर पूछा गया है तो होता है रेड कलर का। कॉप्लिक स्पॉट्स किस डिसीज में देखने को मिलते हैं, रूबेला, मीजल्स, मम्स या फिर चिकन पॉक्स। कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलते हैं किसमें, मीजल्स में। नेक्स्ट वन इज एट बर्थ विच वैक्सीन आर गिवन। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ कौन सी वैक्सीन दी जाती हैं, OPV, BCG, विटामिन सी, OPV, BCG, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, OPV, पेंटावेलेंट, OPV, हेपेटाइटिस बी एंड BCG। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाने वाली वैक्सीन है ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, BCG एंड विटामिन के का इंजेक्शन। कौन सा है, विटामिन के का इंजेक्शन है जो दिया जाता है। अब यहाँ पर ये देखिए कौन सी वैक्सीन किस रूट से दी जाती है, कब दी जाती है। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी का है जो इनिशियल डोज दिया जाता है। फिर आती है यहाँ पर 6 वीक में, तो 6 वीक में OPV का फर्स्ट डोज, DPT का फर्स्ट, हेपेटाइटिस बी जो कि पेंटावेलेंट में इंक्लूड होगा। 6, 10, 14 वीक में क्या दिया जाता है, पेंटावेलेंट, और इसी के साथ में रोटावायरस वैक्सीन भी दी जाती है। फिर 16 से 24 महीने में DPT का है जो B1 का जो फर्स्ट डोज दिया जाता है, और यहाँ सॉरी बूस्टर फर्स्ट दिया जाता है, और 5 से 6 साल में बूस्टर सेकंड डोज है जो दिया जाता है, और ओरल पोलियो वैक्सीन है जो कब दी जाती है, ओरली 2 बूंद जिंदगी की 2 ड्रॉप दी जाती है। रोटावायरस वैक्सीन में 5 ड्रॉप दी जाती हैं जो कि 6, 10 एंड 14 वीक्स की एज में दी जाती हैं। नेक्स्ट इज परपीरियम वीक्स और ड्यूरेशन। तो परपीरियम पीरियड कितने टाइम का होता है, 6 वीक का। नेक्स्ट वन इज रेबीज इज ऑल्सो नोन एज। तो रेबीज को हम और क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, डिमेंसिया या फिर रूबियोला। तो रेबीज का दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होगा क्लोज्ड स्पेस में डर लगना। अब यहाँ पर रेबीज का क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका कॉजिटिव एजेंट हो गया है लाइसा वायरस, और क्यों होगा, इन्फेक्टेड एनिमल्स के बाइट करने के कारण। तो कैटेगरी फर्स्ट यदि आती है तो यहाँ पर लिकिंग, टचिंग और इंटैक्ट स्किन है। क्या हुआ, एनिमल ने आपको चाटा है, टच किया है, तो इंटैक्ट स्किन है यहाँ पर। कैटेगरी सेकंड में सलाइवा, स्क्रैच, एब्रेशन आते हैं आपकी स्क्रीन पर, तो स्किन पर, तो आपके लिए क्या है, थोड़ा बहुत स्क्रैच भी आ सकते हैं बिना किसी ब्लीडिंग के, लेकिन स्किन अनकवर्ड है। कैटेगरी थर्ड में स्क्रैच आएंगे, पेनिट्रेट होगी स्किन, और यहाँ पर जो सलाइवा लिक्स है वो आपके ब्लड में भी जा सकती है। तो यहाँ पर आपको वुंड को क्लीन करना है, एंटी रेबीज वैक्सीन देना है और एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन देना है, कैटेगरी थर्ड। जब भी कोई एनिमल वाइट करता है तो कंटिन्यूसली वॉश करना है साबुन से। नेक्स्ट वन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द फाइन डाउनी हेयर विच कवर्स बॉडी ऑफ द न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न बेबी की पूरी बॉडी पर छोटे छोटे हेयर होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, मॉटलिंग, मिलिया लेनिगो या फिर वर्निक सेजोसा। तो वर्निक सेजोसा तो चीजी सब्सटेंस होता है वैक्स जैसे, इससे पूरी बॉडी है जो बेबी की क्या रहती है, बॉडी पर आपने लगा हुआ देखा होगा वाइट कलर का। लेनिगो का मतलब हो गया यहाँ पर फाइन डाउनी हेयर जो कि पूरी बॉडी में आपको बेबी की देखने को मिलेंगे। यदि पोस्ट मैच्योर बेबी है तो देखने को नहीं मिलते हैं, वो सभी झड़ जाते हैं अंदर ही, लेकिन यदि बेबी प्रीटर्म है 36 वीक के पहले हुआ है तो आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रिविएशन इज यूज फॉर द स्टेप ऑफ न्यूनेटल रिससिटेशन। तो न्यूनेटल रिससिटेशन के लिए फर्स्ट जो एब्रिविएशन है वो कैसा होगा, CABT, TABC, ATCB या फिर BACT। तो जो न्यूबॉर्न और न्यूनेटल रिससिटेशन के लिए एब्रिविएशन होगा वो होगा TABC, टेम्परेचर एयर वे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। क्या होगा, टेम्परेचर एयर वे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ बर्न लीड्स टू ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ पेन। तो बर्न का क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाई थी, डिग्री ऑफ बर्न, डेप्थ ऑफ बर्न। तो यहाँ पर बर्न में ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ पेन किस में देखने को मिले, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में। तो ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ पेन मतलब सबसे ज़्यादा दर्द किस में होगा, सेकेंड डिग्री बर्न में, थर्ड डिग्री बर्न में, फोर्थ डिग्री बर्न में पेन है जो धीरे धीरे कम हो जाता है, फिर पेन ही नहीं होता है, सेंसेशन ही खत्म हो जाता है क्योंकि जब नर्व डैमेज होने लगती हैं तो। नेक्स्ट वन इज इन ह्यूमन बॉडी आयरन इज एब्जॉर्ब्ड इन। तो ह्यूमन बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, ड्यूडेनम में, ईसोफेगस में, इलियम में या फिर नन ऑफ दी अबव। तो ह्यूमन बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है ड्यूडेनम पार्ट में, कहाँ पर, ड्यूडेनम में। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट फॉर आयरन स्टोर्स। तो यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया ड्यूडेनम ने, अब टेस्ट कौन सा करेंगे कि आप खा तो खूब रहे हो आयरन लेकिन आपकी बॉडी में स्टोर नहीं हो पा रहा ड्यूडेनम में, तो कौन सा टेस्ट होगा, सीरम कैल्शियम, सीरम फेरेटिन, सीरम फॉस्फेट या फिर नन ऑफ दी अबव। तो आयरन स्टोरेज के लिए टेस्ट होता है वो होता है सीरम फेरेटिन टेस्ट। नेक्स्ट वन इज प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन। तो प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, बोन मैरो में, लिवर में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो प्लेटलेट्स, RBC, इन सभी का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, बोन मैरो में। नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन 18 मंथ ओल्ड चाइल्ड वॉज ब्रॉट टू द PSC फॉर बूस्टर डोज ऑफ DPT वैक्सीन। विच अमंग द फॉलोइंग मसल प्रिफर्ड बाय द नर्स टू एडमिनिस्टर द वैक्सीन। तो 18 महीने का बच्चा यदि वैक्सीन के लिए आया है PSC या फिर किसी भी हॉस्पिटल में तो DPT वैक्सीन इंट्रामस्कुलर दी जाती है, तो कहाँ पर, कौन सी मसल में देंगे, डेल्टोइड में, डॉर्सोग्लूटियल में, वेंट्रोग्लूटियल या फिर वास्टस लैटरलिस में। तो यदि 18 महीने के बच्चे को IM इंजेक्शन देना है, DPT वैक्सीन देना है तो कहाँ पर देंगे, वास्टस लैटरलिस मसल्स में। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रूट ऑफ BCG वैक्सीन। तो BCG वैक्सीन किस रूट से दी जाती है, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल या फिर इंट्राओसियस। तो BCG वैक्सीन दी जाती है इंट्राडर्मल रूट से। OPV रोटावायरस ओनली दी जाती है ओरली। इंट्रामस्कुलर में पेंटावेलेंट, जो 5 वैक्सीन इंक्लूड हो जाती है, न्यूमोकोकल वैक्सीन हो जाती है। सबकटेनियस में मीजल्स, येलो फीवर और वेरिसेला दी जाती है, और यहाँ पर BCG दी जाती है इंट्राडर्मल से। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर हाउ मच गैप और इंटरवल गिवन बिटवीन टू डोज ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन। कोविशील्ड वैक्सीन के बीच में कितना गैप दिया जाता है, दो डोज के बीच में। अभी तो बूस्टर डोज भी लग रहा है, गवर्नमेंट ने 75 डेज तक फ्री रखा है जो कि फिर आफ्टर आपको चार्ज लगेगा। तो इंटरवल कितना दिया जाता है दो डोज कोविशील्ड वैक्सीन में, 84 डेज। पहले था 28 दिन, फिर 56 किया, फिर अब 84 डेज। नेक्स्ट वन इज द टर्म साइटोलॉजी रिफर्स टू। तो साइटोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ सेल्स, स्टडी ऑफ कैंसर, स्टडी ऑफ स्पूटम या फिर स्टडी ऑफ नर्व। न्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ नर्व है, कैंसर की स्टडी क्या है यहाँ पर, ऑन्कोलॉजी सेल्स की स्टडी है, साइटोलॉजी। नेक्स्ट वन इज अनदर नेम फॉर स्टीम सेल ट्रांसप्लांटेशन। स्टीम सेल ट्रांसप्लांटेशन के लिए दूसरा नाम क्या है, बायोप्सी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, स्प्लीन ट्रांसप्लांटेशन या फिर कीमोथेरेपी। तो स्टीम सेल ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। नेक्स्ट वन इज द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज। द पिट्यूटरी ग्लैंड को और क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड।
नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्ली साइन ऑफ लेप्रोसी. तो अर्ली साइन क्या है लेप्रोसी के, हैंसन डिसीज के, लॉस ऑफ सेंसेशन, थिकेट पेल्फुल नर्व, सिंकिंग ऑफ द नोज ब्रिज या फिर लीजन ओवर द स्किन. साइन सब है लेकिन अर्ली साइन होगा यहाँ पर थिकेट पेनफुल नर्व. नेक्स्ट वन इज मंडे फीवर इज ऑल्सो नोन एज. तो मंडे फीवर को और क्या कहते हैं, वैगोसिस, एफ्स्टोसिस, सीओपीडी या फिर वायसिनोसिस. तो मंडे फीवर का दूसरा नाम होता है वायसिनोसिस. क्या है वायसिनोसिस, जो कि कॉटन डस्ट में काम करने के कारण होगा. कैन फाइबर के लिए वैगोसिस, टोबैको को टोबैकोजोसिस, फार्मर्स लंग जो लोग ग्रेन डस्ट या फिर हे डस्ट में काम करते हैं वो हैं. आयरन के कारण होगा सिड्रोसिस, सिलिका डस्ट के कारण होगा सिलिकोसिस और कोल डस्ट के कारण होगा एंथ्रोकोसिस. तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, एग्जाम में आपको आते हैं. नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन. तो वर्ल्ड हेल्थ डे और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे सेमी डे मनाते हैं हम 7 अप्रैल को. हर साल हम कब मनाते हैं 7 अप्रैल को. इसकी थीम आप लोग जरूर याद रखना 2022 में वर्ल्ड हेल्थ डे की. यहाँ पर केमिकल कंपोनेंट ऑफ माला डी आर, एग्जाम में क्वेश्चन माला डी माला एन दोनों आ सकते हैं, माला डी और माला एन के, क्योंकि केमिकल कंपोनेंट सेम है. यहाँ पर केमिकल कंपोनेंट क्या है माला डी और माला एन के, तो वो है डी नॉर्जेस्ट्रॉल एथेनॉइल एस्ट्रॉइडल. ऑप्शन नंबर बी डी नॉर्जेस्ट्रॉल एथेनॉइल एस्ट्रॉइडल, जो कि कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है. एग्जाम में इनके बीच का डिफरेंस जरूर आता है आपको. तो जो यहाँ पर माला एन है फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, लेकिन माला डी है जो क्या है 3 रुपीज़ पर पैकेट आपको चार्ज लग सकता है. यहाँ पर दोनों का केमिकल कंपोनेंट सेम है नॉर्जेस्ट्रॉल एंड एथेनॉइल एस्ट्रॉइडल. एंड यहाँ पर जो लेवोनोजेस्ट्रॉल का कंटेंट होता है वो होता है 0.15 mg और एथेनॉइल एस्ट्रॉइडल होता है 0.03 mg. अब यहाँ पर टोटल 28 पिल्स होती हैं जिसमें 21 OCP होती हैं और बाकी रिमेनिंग 7 कौन सी होती हैं, आयरन की टैबलेट है जो यहाँ पर आयरन फेरस फ्यूमरेट टैबलेट रहेंगी. नेक्स्ट वन इज इन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ग्रास रूट लेवल वर्कर इंक्लूड. तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में ग्रास रूट लेवल वर्कर कौन से, मतलब जो सबसे डाउन साइड से काम करेंगे, तो वो सभी आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा हैं, ब्लेज हेल्थ गाइड हैं. तो आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट वन इज विच इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क. तो ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन रहेगा, IgA, IgD, IgM या फिर IgG. तो ब्रेस्ट मिल्क में होगा IgA. कौन सा IgA, जितना भी सीक्रेशन होता है उसमें होता है IgA. प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है ओनली IgG, एग्जाम में आता है आपको. नेक्स्ट है यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्ट एविडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है, तो वो है IgG. नेक्स्ट वन इज कलर ऑफ एम्नियोटिक फ्लूड इन इंट्रायूट्राइन डेथ. बेबी यदि यूट्रस में डेथ हो गया है स्टिल बर्थ है, तो उसके लिए एम्नियोटिक फ्लूड का कलर कौन सा होगा, कलरलेस, गोल्डन, टोबैको जूसी या फिर सेफ्रॉन. नॉर्मल एम्नियोटिक फ्लूड का कलर होता है कैसा, नॉर्मल क्लियर कॉन्साइज कलर. अब यदि इंट्रायूट्राइन डेथ, बेबी की डेथ हो गई यूट्रस में ही, तो कलर होगा जूसी, टोबैको जूसी कलर. अब यहाँ पर देखिए सेफ्रॉन पूछते हैं, तो पोस्ट मैच्योरिटी दैट मीन्स आफ्टर बेबी 42 वीक्स के बाद डिलीवर हुआ है. ग्रीन कलर बेबी ने क्या कर लिया है, मेकोनियम स्टैंड स्प्रेड कर गया बेबी मेकोनियम को. गोल्डन कलर है तो RH आईसो इम्यूनाइजेशन. रेड कलर है तो एब्रप्शन हुआ है, कुछ ब्लीडिंग हुई है. टोबैको जूसी है. ब्राउन है तो IUD. नेक्स्ट वन इज कंडीशन इन विच एम्नियोटिक फ्लूड इंडेक्स इज 5 cm और लेस देन, दैट मीन्स. तो AFI इंडेक्स, एम्नियोटिक फ्लूड इंडेक्स यदि 5 cm और उससे कम होता है तो कौन सी सिचुएशन है, पॉलीहाइड्रोमनियोस, ओलिगोहाइड्रोमनियोस, हाइड्रोसेफेलस और न्यूमोथोरिक्स. तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन है, तो यहाँ पर आपको पॉलीहाइड्रोमनियोस, ओलिगोहाइड्रोमनियोस. पॉली का मतलब ज़्यादा, ओलिगो का मतलब कि कम. प्रेगनेंसी में यदि एम्नियोटिक फ्लूड का इंडेक्स 5 cm और उससे कम हो जाता है तो ये कहलाता है ओलिगोहाइड्रोमनियोस. यदि 25 cm से ज़्यादा जाता है तो ये कहलाएगा पॉलीहाइड्रोमनियोस. यदि 5 cm से कम है दैट मीन्स क्या है, जो 800 ml से भी कम, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है वैसे वैसे एम्नियोटिक फ्लूड का लेवल कम होते जाता है, स्पेशली 38 वीक की प्रेगनेंसी के बाद, नॉर्मल टर्म प्रेगनेंसी में. तो यदि लेकिन 5 cm से कम हो जाता है तो क्या है, ये फाइव इंडेक्स 5 cm से कम है तो ओलिगोहाइड्रोमनियोस. 25 से ज़्यादा हो जाता है दैट मीन 2000 ml से भी ज़्यादा एम्नियोटिक फ्लूड हो जाता है,
तो उसको हम कहेंगे पॉलीहाइड्रोमनियोस। नेक्स्ट वन इज हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। तो कौन सा हार्मोन हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम के लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। जो हार्मोन हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है? तो वो है यहाँ पर ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, HCG हार्मोन। क्या है? जो प्रेगनेंसी में होने वाली नोजिया वॉमिटिंग है वो क्या है? हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। और इसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा HCG। HCG का लेवल ज़्यादा होगा तभी हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम होगा। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा की इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? कोरियोन, एमनियोन, योक्सैक या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो प्लेसेंटा की जो इनर मोस्ट लेयर है वो क्या है? एमनियोन। ये देखिए फीटल सरफेस और मैटरनल सरफेस, तो यहाँ पर दोनों लेयर हैं। यदि यहाँ पर पूछा है इनर मोस्ट तो एमनियोन, आउटर क्या है? कोरियोन। अब यहाँ पर जो फीटल सरफेस होती है हमेशा साइनी होती है। कैसी होती है? साइनी होती है और ये सेंट्रली अटैच होगी अम्बिलिकल कॉर्ड से। लेकिन जो मैटरनल सरफेस होती है कोटिलेडोन्स के कारण कैसी होती है? रफ़ होगी। तो यहाँ पर 15 से 20 कोटिलेडोन्स होते हैं जिसके कारण रफ़ दिखाई देगी। रही मैटरनल, रही फीटल। नॉर्मल प्लेसेंटा का वेट होता है एट द टाइम ऑफ टर्म प्रेगनेंसी 500 ग्राम, आधे किलो का। यदि जो 1/6 ऑफ द बेबी वेट के बेबी का वेट और प्लेसेंटा का यदि रेशियो पूछें तो 1/6 ऑफ द बेबी वेट। 3 ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें 2 अम्बिलिकल आर्टरी और 1 अम्बिलिकल वेन होती है। अम्बिलिकल कॉर्ड में जो 3 वेन्स होती हैं टोटल, तो 2 अम्बिलिकल आर्टरी और 1 अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी और जो 1 अम्बिलिकल वेन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। लेंथ होती है एवरेज लेंथ 55 सेंटीमीटर, लेकिन अम्बिलिकल कॉर्ड की नॉर्मल लेंथ होती है 50 से 60, लेकिन एग्जाम में आता है आपको तो आपको मार्क करना है 55 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन इज द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन फीमेल टेक्स प्लेस इन द। तो फीमेल में फर्टिलाइजेशन है जो कहाँ पर होता है? वजाइना में, सर्विक्स, यूट्रस या फिर ओविडक्ट में। तो ओवम का जो फर्टिलाइजेशन है कहाँ पर होता है? तो होता है ओविडक्ट में। फैलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला पार्ट है वहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट है जो कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू टेक द सर्वाइकल स्मियर। तो सर्वाइकल स्मियर के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? वेंटोस, वैक्यूम, फोर्सेप्स या फिर एरिस स्पैटुला। तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है सर्वाइकल स्मियर के लिए वो होता है एरिस स्पैटुला। इस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ नंबर 86, ब्लड डेब्रिस डिस्चार्ज फ्रॉम द यूट्रस आफ्टर द डिलीवरी दैट इज टर्म्ड एज। तो डिलीवरी के बाद यूट्रस से कुछ डिस्चार्ज होता है, ब्लड होगा, डेब्रिस होगा, सेल्स होंगी, वो क्या कहलाता है? पायूरिया, एप्सिस, कोलाज्मा या फिर लोचिया। पायूरिया होता है पस, क्या होगा? पस का डिस्चार्ज होना। एप्सिस का मतलब होगा यहाँ पर जो यहाँ पर पस बनेगी वो। कोलाज्मा का मतलब होगा प्रेगनेंसी फेस मास्क, जो फेस पर बटरफ्लाई टाइप से आपको दोनों चीक्स, नोज, फोरहेड, चिन के नीचे जो मार्क्स रहेंगे वो है कोलाज्मा। लोचिया का मतलब होगा ब्लड डेब्रिस डिस्चार्ज। 3 टाइप्स का होता है, रूब्रा, सेरोसा, अल्बा। जो इनिशियल डे में होगा वो डार्क रेड कलर का होगा वो कहलाएगा रूब्रा। जो फर्स्ट वीक से 4 to 10 days तक रहेगा वो सेरोसा, और नेक्स्ट 10 to 28 days होगा वो होगा वाइट येलो कलर का, इसको हम क्या कहेंगे? अल्बा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 87, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो MTP एक्ट है जो कब फोर्स में आया था? तो ये आया था 1971 में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। तो MTP को लेके, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लेके कल ही लास्ट डे है जो सुप्रीम कोर्ट ने एक अनाउंसमेंट की है, वो आपको सेकंड चैनल पे बता दी जाएगी कि 24th वीक की प्रेगनेंसी के लिए भी है जो क्या कर दिया गया है इंडिया में, कह दिया गया है कि कुछ यदि मेडिकल रीज़न है या कुछ अदर वो हैं तो आपको अबॉर्शन करने की परमिशन दी जा सकती है, नहीं तो अभी तक ओनली 20 वीक की प्रेगनेंसी की परमिशन थी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फोन नंबर प्रोवाइड्स एक्सेस टू आरोग्य सेतु सर्विसेज फॉर फीचर फोन एंड लैंडलाइन यूजर्स। से आपको याद रखना है क्योंकि लास्ट टाइम बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करी थी सभी लोगों ने कोरोना के टाइम पर, जो एक नंबर था वो कौन था? वो था 1921। नेक्स्ट वन इज ओरल मेडिकेशन ऑफ चॉइस टू प्रिवेंट फर्दर थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन। दोबारा से थ्रोम्बस को फॉर्मेशन होने से हमें रोकना है, प्रिवेंट करना है। ओरल मेडिकेशन कौन सी होगी? स्ट्रेप्टोकाइनेस, वारफरिन,
हेपेरिन या फिर विटामिन के। तो जो ओरल मेडिकेशन है यहाँ पर ओनली वारफ्रिन है। क्या है वारफ्रिन? ही है जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन के लिए हम दे सकते हैं, वो भी ओरली। हेपेरिन वारफ्रिन से क्वेश्चन में एग्जाम आते हैं। हेपेरिन को आई भी दे सकते हैं लेकिन वारफ्रिन को ओरली भी दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में दी जाने वाला जो एंटीकोआगुलेंट है वो ओनली हेपेरिन ही हम दे सकते हैं, कभी भी वारफ्रिन हम नहीं दे सकते क्योंकि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। हेपेरिन का एंटीडॉट होता है प्रोटामाइन सल्फेट। वारफ्रिन ओवरडोज होती है तो विटामिन के और फाइटोमेलाडियोन है जो दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी डिसीज आर कवर्ड इन NVBDCP नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम में। टोटल 6 डिसीज कवर की जाती हैं। कौन कौन सी? मलेरिया, डेंगू, लिम्फेटिक फाइलेरिया, कालाजार, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस एंड चिकनगुनिया। तो आपको इन 6 में से एक्सेप्ट करके क्वेश्चन दे सकते हैं, फिर पूछ सकते हैं कितनी डिसीज कवर की जाती है, इसका लोगो भी आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट इज इन द इफ़ द अपगार स्कोर इज 7-9 न्यूबॉर्न इंडिकेट्स। तो अपगार में मैक्सिमम स्कोरिंग होती है 10। यदि न्यूबॉर्न बेबी का स्कोर 7-9 है तो बेबी कैसा है? सीवियरली डिप्रेस्ड, माइल्ड डिप्रेस, मॉडरेट डिप्रेस या फिर नो डिप्रेशन। यदि 7 से आगे होता है तो बेबी हेल्दी है, कोई डिप्रेशन नहीं है। ये जो पॉइंट है यहाँ पर एक्टिविटी, पल्स, ग्राइवेसी, अपियरेंस और रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर 0-3 है तो बेबी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। मॉडरेट डिप्रेस है तो 4-6 है। बच्चा अच्छी कंडीशन में, दैट मीन्स अबव 7 जाता है पॉइंट अपगार स्कोर का, तो बच्चा को कोई भी डिप्रेशन नहीं है, बच्चा स्वस्थ है। नेक्स्ट इज इन 6th वीक विच वैक्सीन आर एडमिनिस्टर्ड फॉर चाइल्ड। 6, 10, 14 वीक्स मैंने जस्ट अभी बताया, तो 6 वीक में बच्चे को कौन सी वैक्सीन देते हैं हम? यहाँ पर आप लोग मार्क कीजिए कि 6 वीक में कौन सी वैक्सीन देंगे हम। तो 6 वीक में दी जाती है बच्चे को वैक्सीन DPT का फर्स्ट डोज एंड ओरल पोलियो वैक्सीन। कौन सी? DPT का फर्स्ट डोज, जो नाउडेज पेंटावेलेंट दे देते हैं, और OPV का फर्स्ट डोज। नेक्स्ट वन इज डिटेक्शन ऑफ हाई लेवल ऑफ अल्फा फीटो प्रोटीन लेवल इन द मदर्स ब्लड इंडिकेट दैट डेवलपिंग बेबी हैज। तो माँ के ब्लड में यदि AFP का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है, दैट मीन्स जो बेबी यूट्रस में, उसको कौन सी डिसीज डेवलप हो रही है? NTD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, डिलेड स्केलेटल डेवलपमेंट या फिर डाउन सिंड्रोम। तो 2 ऑप्शन देखिए, NTD और डाउन सिंड्रोम। तो यदि AFP का लेवल बढ़ा हुआ इंडिकेट होता है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और नॉर्मल से और ज़्यादा डाउन जाता है तो क्या है? डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट वन इज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स। तो मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10-14 दिन। दैट मीन्स आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है, फर्स्ट साइन सिम्टम बॉडी शो कर रही है, तो वो पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड मीजल्स में कितना होता है? 10-14 दिन तक। नेक्स्ट वन इज इन विच ईयर इंडिया डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स फ्री। तो इंडिया है जो स्मॉल पॉक्स फ्री कब डिक्लेयर किया गया था? 1987, 1977, 1976 या फिर 1985 में। तो इंडिया स्मॉल पॉक्स फ्री डिक्लेयर किया गया था 1977 में। लास्ट केस आया था साल्मोनिया में। नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी डिसीज इज कॉज्ड बाय डेफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। तो वेरी वेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, कॉलेकॉल्सिफेरॉल दैट मीन्स विटामिन डी, विटामिन B12 या फिर विटामिन B1। तो वेरी वेरी होता है विटामिन B1 और थायमिन की कमी के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पर विच इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोलेरा। विब्रियो कोलेरा के थ्रू जो कोलेरा फैलेगा तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन है जो ट्रीटमेंट में यूज़ की जाएगी? अभी रिसेंट में कोलेरा फैला था पौंडुचेरी में, वहाँ पर इवन पब्लिक इमरजेंसी भी घोषित कर दी गई थी पौंडुचेरी में। तो ट्रीटमेंट कोलेरा के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है? क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन या फिर सेफेक्सिम। जो मेडिसिन दी जाती है वो होती है टेट्रासाइक्लिन। ड्रग ऑफ चॉइस है कोलेरा के लिए। एडल्ट के लिए डोज है 500 mg BD। चिल्ड्रन जिनकी एज 4 से 13 साल है तो 125 mg, और चिल्ड्रन जिनकी एज है जो 4 साल से भी कम है तो उनको 50 mg। नेक्स्ट वन इज व्हेन वाज द स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, स्वच्छ भारत अभियान कब है जो लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को, गांधी जयंती जी के दिन। यहाँ पर जो स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया था, तो जो टॉप पर जो सिटी है हर बार जिसको जो अवार्ड मिलता है स्वच्छ भारत का इंडिया में, वो कौन सी है? क्लीन सिटी, वो है इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। नेक्स्ट वन इज हेयरी टंग इज सीन इन विच डिसीज़। तो जीभ पर बाल जैसे दिखेंगे किस डिसीज़ में? TB में, HIV में, COPD में या फिर हर्पीज़ में।
तो हेयरी टंग जिसको हेयरी ल्यूकोप्लाकिया भी कहते हैं, वाइट पैचेस देखने को मिलेंगे। देखिए तो ये देखने को मिलते हैं जनरली HIV के पेशेंट में। ये क्यों होते हैं? एप्स्टीन बार वायरस के कारण। एग्जाम में आए कि जो हेयरी टंग किसके कारण है, तो ये है एप्स्टीन बार वायरस के कारण। और ये होती किस में है? तो HIV के पेशेंट में। क्यों होगी? क्योंकि इनमें ऑलरेडी इम्यूनो बहुत ज़्यादा सप्रेस हो जाती है। कोई भी अदर है जो आके अपना कब्जा जरूर जमा सकता है, तो वो क्या कहलाएगा? हेयरी टंग है। यहाँ पर एप्स्टीन बार वायरस इसका कॉज है। नेक्स्ट वन इज फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। कुछ रीजंस के कारण क्लास कंटिन्यू अभी नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। नीति आयोग में है जो नीति का फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। गठन हुआ था इसका 1 जनवरी 2015 को। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग 1 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इसके जो चीफ होते हैं वो चेयर पर्सन होते हैं, वो कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री। तो अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। नावडे देश की जो रिसेंट में प्रेसिडेंट है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। नाम याद रखना, एग्जाम में आपको आ सकता है। फर्स्ट आदिवासी प्रेसिडेंट बनी है इंडिया की, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट, और आज की क्लास के लिए आपको क्वेश्चन है, बहुत पहले जो न्यूज़ में आया था क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर इंडियाज फर्स्ट फीमेल ह्यूमन एस्ट्रोनॉट। ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया भी है कि इंडिया की पहली फीमेल ह्यूमनॉइड एस्ट्रोनॉट कौन थी? व्योमित्रा, सुमित्रा, गायत्री या फिर सुकन्या? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जो आज रात में क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट चैनल जिन्होंने अभी तक विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ देख लें, वहाँ पर आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक है जो ऐड किए जा रहे हैं। थैंक यू, बाय।